छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा प्रकृति को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु पौधा तुहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वृक्षारोपण के इच्छुक व्यक्ति निःशुल्क फलदार छायादार व ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर के आसपास इसका रोपण कर वातावरण स्वच्छ बना सकते हैं। आगामी 6 तारीख को पूरे प्रदेश भर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है, जिसके लिए शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां अभी से पूर्ण की जा चुकी हैं और इसके तहत पर्यावरण प्रेमी और वृक्षारोपण करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सभी नगर निगमों एवं वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है और जगह जगह वाहनों पर वृक्षों के पौधे लेकर वन विभाग की टीम लोगों तक पहुंच रही है, जहां से लोग सहर्ष निःशुल्क पौधे लेकर अपने घर के आसपास उसे रोपकर वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं। नगरपालिक निगम भिलाई में भी 15,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण प्रणाली से आम जनमानस भी काफी खुश नजर आ रहा है। क्या है कि सर्पिंग लगाएंगे, अब ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, उसको अब सपोर्ट करना ही है। क्या है कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है और हम लोग का लाइक जो पृथ्वी है उसको इन सब चीज़ों की जरूरत है, तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया तो उसको सपोर्ट करना तो जरूरी है। मैं यहाँ से 3 पेड़ लेके जा रहा हूँ, एक कटहल का है, एक कुसुम का है और एक अमरूद का। इसको वही मतलब लगाएंगे, फिर अभी बारिश का मौसम है तो इसको और मतलब अच्छा मौका मिलेगा ग्रो करने का, तो इसलिए फिर खाद वगैरह भी दे देंगे। वन विभाग द्वारा हरिहर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में किया जा रहा कार्य काफी सराहनीय है। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।